हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस, तो मैं आप लोगों को आज कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे काफ़ी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है एक बच्चा, जिसका नाम आप लोग शायद बहुत कोई नहीं जानते होंगे, ठीक है ना। चलिए, मैं उसके बारे में कुछ आपको डिटेल्स जानकारी देता हूँ। तो ये बच्चा जो है ना, उसका नाम सहदेव कुमार है, ठीक है। तो इसके नाम के बारे में आपको नहीं पता था, मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है। बहुत कम को, हाँ शायद किसी को पता होगा, लेकिन बहुत कम कोई इनका नाम, इस बच्चे का नाम जानते होंगे। इस बच्चे का नाम सहदेव है, जिसने अभी हाल ही में गाना गाया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आप लोग जरूर देख रहे हैं ये गाना, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये वायरल हो चुका है, ठीक है। तो ये जो गाना है, इसके बारे में मैं कुछ आपको बता दूँ। ये जो गाना है, इस बच्चे ने जब गाया था, अभी इस बच्चे का जो उम्र है ना, अभी 12 साल है, ठीक है। और इस बच्चे ने लमसम 26 जनवरी के समय ये गाना गाया था। तो ये 2 साल पहले ही इस बच्चे ने गाना ऑलरेडी गाया है, ठीक है। 2 साल पहले ही इसने गाया था। और यहाँ तक कि मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, कि ये जो गाना है ना, 2 साल पहले इसने गाया था, और ये यूट्यूब पे वायरल नहीं हुआ था उस समय, और यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ था। बट अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। तो अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, कि अभी 2 साल बाद ये गाना वायरल हो गया है, ठीक है ना। तो इस बच्चे ने गाया था, इसके टीचर जो क्लास टीचर थे, उसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, और बच्चा ने काफ़ी अच्छा गाया, ठीक है। तो ये बच्चा जो है अभी बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है, पूरा वायरल हो चुका है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में सबको इसको पहचान रहा है। लेकिन आप लोग ये चीज़ गौर नहीं कर रहे हैं। बादशाह, मुझे पता है कि बादशाह ने भी इसको बुलाया है, ठीक है, और इसका हेल्प भी बहुत किया है। अब दिल्ली ऑफिस में इसको बुलाया था, हेल्प भी किया, ठीक है। और इस बच्चे का मैं बारे में और कुछ बता दूं आपको, मुख्यमंत्री जी ने जो है, और शायद भूपेश बघेल हैं छत्तीसगढ़ के, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया बच्चे को, फिर बोला कि गाना गा के सुनाओ। बादशाह ने भी वही चीज़ बोला, गाना गा के सुनाओ। तो बच्चे का जो है ना, ये जो बच्चा है सहदेव, यह जो है ना, इसके एक भाई है और 4 बहन है, ठीक है। इनकी माँ की जो मृत्यु है, पापा में ही हो गया था, और इसका पापा ही इसे बड़ा किया है लाल पाप दे के। तो अभी क्या हो रहा है, किस बच्चे का गाने की गाना सुन के तो सब कोई मतलब अच्छा, हाँ बहुत बच्चे हैं, बहुत बढ़िया गा रहा है, बचपन का प्यार, सोनू मेरे डार्लिंग, बहुत बढ़िया गा रहा है। तो भाई, इंडिया है, ऐसे ही तरक्की करेगा ना। ओलंपिक में जाने के लिए ये सब नहीं चलता है। अभी ओलंपिक देख रहे ना गाइस, तो अभी इंडिया में क्या हो रहा है, अभी देख लिया आपने, इंडिया वालों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है हॉकी में। और ये बच्चा बोलता है मुझे खिलाड़ी भी बनना है, गायकार भी बनना है। तो यू हैव ए 2 ऑप्शंस, गायकार और खिलाड़ी। तो आप अगर आप ये सोनू मेरे डार्लिंग, आप इंडिया वालों को यही सिखाओगे, यही बताओगे। बच्चे का कोई गलती मैं नहीं दे रहा, दोष नहीं दे रहा हूँ बच्चे का, क्या उसने तो गाना अच्छा गाया अपना। अभी क्या इंडिया वाले सब तो ये गाना पे लिपसिंग कर रहे हैं, सब कमों में सुनो तो यही गाना चल रहा है, ठीक है, क्योंकि वायरल हो चुका है ये, तो सही है। तो अभी क्या, ये बच्चा बोलता है मुझे गायकार भी बनना है और खिलाड़ी भी बनना है। तो बाबू, आप, मैं बच्चे का दोष नहीं दे रहा, अगर आप ये समझते हैं कि इंडिया वाले जितना भी है, आपने तो वायरल करवाया इसको, ठीक है, आप ये सोचते हैं कि हेलो सोनू मेरी डार्लिंग बोल के मैं भी अपने बच्चों को यही सिखाऊंगा, यही बताऊंगा, तो आप बेटर कर रहे हो, करो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। मैं इसमें पीछे नहीं हटने वाला हूँ, आप लोग जैसे सोचते हो सही है, ऐसे इंडिया तरक्की नहीं करेगा, ठीक है ना गाइस। आप लोग कुछ मेहनत करो, काम करना, खिलाड़ी बनने के लिए खिलाड़ी की तरफ मेहनत करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो समझ गए आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप लोग तो समझ गए होंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे मिलते हैं गाइस। जो भी ये ओलंपिक का मैच अभी देख रहे हैं ना, उनको लगता है कि ओलंपिक में जाना ही बहुत आसान चीज़ है। जी नहीं, ओलंपिक जाना ही बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में से मुझे जहाँ तक पता है, आई नो 127 प्लेयर जो है वो सेलेक्ट हुए थे ओलंपिक के लिए, जिन्होंने क्वालिफाई किया था। आप बताइए, उसमें से अगर मात्र इंडिया वालों को 5 मेडल आ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 5 मेडल, 2 सिल्वर आए और 3 ब्रॉन्ज आए, 2 उसमें से भी एक सिंधु को मिला है ब्रॉन्ज में, सिल्वर मेडल, और दूसरा जो है रवि दहिया, उन्हें मिला है सिल्वर मेडल। तब आप समझ सकते हैं इन 2 प्लेयर को सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है। तो ओलंपिक में अभी तक इंडियन टीम से कोई किसी ने भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है, ठीक है। तो आशा करते हैं, आई होप इंडिया का कोई ना कोई ऐसा प्लेयर, एक अदिति अभी है गोल्फ की है, वो काफ़ी करीब है मेडल जीतने के, ठीक है। तो उनसे भी आशा लगाया जा सकता है कि वो भी एक मेडल जीत सकती है, ठीक है। आई नो, मुझे पता है कि वो खेल अच्छा रही है, ठीक है। तो अभी चाह रहे हैं कि भाई इंडिया को तो एक गोल्ड आना ही चाहिए। तो गाइस,
चलिए आगे बताते हैं कुछ। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? तो गाइस अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया जो है ना अभी ओलंपिक टेबल में जो है ना अभी मतलब 65 के पायदान के आसपास है, 65 के। तो अभी इंडिया टोटल 5 मेडल कर लिए अपने नाम, 2 सिल्वर मेडल हैं और 3 जो है ना ब्रॉन्ज मेडल है इंडिया के पास, ठीक है। तो देखते हैं अभी दिया, अभी जो पूनिया है ना वो तो वो अभी तो फिलहाल वो सेमीफाइनल में हार चुके हैं, तो कोई बात नहीं। इंडियन वुमेन टीम भी वो हार गई, कोई बात नहीं। लेकिन इंडियन हॉकी टीम के जो मेंस हैं, इंडियन मेंस हॉकी टीम के जो प्लेयर्स हैं वो ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हो चुके हैं, और देखते हैं क्या होता है आगे। तो गाइस मैं आप थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देता हूँ इधर का, ये देखिए। अभी बारिश होने वाली है, वाइल्ड लिटरली इधर आके बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसलिए कभी कभी शाम को वॉकिंग ऐसे ही करता हूँ, तो मैं घूमने के लिए आ जाता हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि ओलंपिक में और भी सारा गोल्ड आएगा, अभी गोल्ड का सभी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि गोल्ड आएगा इंडियन टीम को। मैं भी चाहता हूँ आई विश कि ऐसा हो। आई थिंक इंडिया वाले जो है ना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कोई अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गोल्ड आ जाना चाहिए। खैर ठीक है भाई, अभी सबसे टॉप पे चल रहा है चाइना, उसके बाद है USA, उसके बाद है जापान। तो आप समझ सकते हैं इन लोग जो है कितना वर्क हार्ड और मेहनत करता है भाई, खर्चा भी ऐसा करता है, इन्वेस्ट भी करता है, तब जाके इतना गोल्ड लाता है, सिल्वर आता है, ब्रॉन्ज आता है, ठीक है। लगता है बारिश होने वाली है गाइस। तो चलिए फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं पेंट करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।